सभी जानते ही हैं कि बिग बॉस के बीते एपिसोड में घर से बेघर हो चुके हैं विकास गुप्ता। जी हां, मास्टरमाइंड कहे जाने वाले विकास गुप्ता घर से बेघर हो चुके हैं। ऐसे में घर से बाहर आने के बाद विकास गुप्ता ने दे दिए हैं तीन बड़े बयान। जी हां, उन्होंने तीन बड़े खुलासे कर दिए हैं। बता दें आपको कि शो में देवोलेना भट्टाचार्य की प्रॉक्सी बनकर गए थे विकास गुप्ता, और प्रॉक्सी के तौर पर उन्हें ज्यादा समय तक घर में रहना अलाउ नहीं हो सकता था। लेकिन जब विकास गुप्ता घर से बाहर आए तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ऐसे तीन बड़े खुलासे कर दिए हैं। बता दें आपको कि विकास गुप्ता ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कहा है कि हमारी दोस्ती काफी अलग थी। मेरे घर से जाते वक्त सिद्धार्थ इमोशनल हो गया था, मुझे भी वैसा ही लगा। और वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि कलर्स वालों ने मुझे ये भी बताया कि मेरे जाने के बाद ज्यादातर लोग रो रहे थे। मैं ये जानकर काफी भावुक हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं घर में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो लेकर आया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिद्धार्थ और रश्मि के झगड़े पर भी बहुत कुछ कहा है। जी आपको बता दें कि विकास ने कहा है कि बीते शनिवार वीकेंड का वार एपिसोड देखने पर आपको मालूम चला होगा कि सिद्धार्थ रश्मि में से किसकी गलती नहीं थी। सलमान सर ने कहा था कि विकास को सुनो, वो सच बताएगा। वेल, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि विकास ने तो बिग बॉस के विनर को लेकर भी खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विकास का कहना है कि मैं चाहता हूं कि शहनाज ही जीते, वो काफी एंटरटेनिंग है, वो लोगों पर अटैक नहीं करती, मुझे आसिम और सिद्धार्थ भी पसंद है। विकास ने बताया कि वो अपनी बिग बॉस की शॉर्ट जर्नी से काफी खुश हैं। वेल, देखा जाए तो विकास ने ये तीन बड़े खुलासे कर दिए हैं घर से बाहर आने के बाद। वेल फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं शो के विनर को लेकर, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से। प्रांशी की रिपोर्ट।